आज मैं आपके लिए लेके आऊँ ऐसी पे लेटर एप्लीकेशन जहाँ से आप 1,000 से लेके 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट लाइन लिमिट ले सकते हैं, वो भी सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर। अगर आपको यहाँ पे लोन की जरूरत है पे लेटर 0% इंटरेस्ट पे, तो भी आप इसके लिमिट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे लिमिट है 0% इंटरेस्ट अप टू 30 डे, आप इसकी लिमिट को यूज कर सकते हैं। वो पूरे 30 दिन के लिए आपको 1 रुपए का भी यहाँ पे चार्ज देना नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपका जो सिबिल स्कोर है 650+ होना चाहिए और जो आपकी रिपेमेंट हिस्ट्री है वो अच्छी होनी चाहिए और आपके पास कोई भी रिपेमेंट वहाँ पे डिले नहीं होनी चाहिए, तो आपको इस एप्लीकेशन से 1,000 से लेके 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट लाइन लिमिट ले सकते हैं और आप इस लिमिट को बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप इसकी फुल पेमेंट नहीं भी कर सकते तो आप इसकी लिमिट को EMI में कन्वर्ट करके भी आप इनको यहाँ पे कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जो मुझे लिमिट मिली है पूरे 18,000 रुपए की यहाँ पे लिमिट मिली है। अगर मेरा सिविल स्कोर अच्छा रहा होता, क्योंकि कईयों को यहाँ पे 70,000, 1.5 लाख, 50,000, 40,000 की भी यहाँ पे लिमिट अप्रूवल हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं गेट फंड पे, जैसे आप मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ तो आप अपना यहाँ से क्रेडिट स्कोर भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद चेक माई क्रेडिट स्कोर पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे मंथ के यहाँ पे 40 रुपए देने पड़ेंगे और 6 मंथ के आपको यहाँ पे 160 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हो, अगर आप चाहे तो आप इसको यहाँ पे यूज ना कर सकते हो। उसके बाद मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गेट फंड। जैसे मैंने गेट फंड पे यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे निकल के आए हैं, एक बैंक अकाउंट का, एक अमेजोन पे का। आप इसके लिमिट को बैंक अकाउंट पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप इसके लिमिट से शॉपिंग करना चाहते हैं किसी भी जगह, तो आप इसके लिमिट को अमेजोन पे भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर अमेजोन पे अगर आप कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हैं, फोन मंगवाना चाहते हैं कोई भी, तो EMI के ऊपर भी आप यहाँ से जो फोन है इसके लिमिट से यहाँ पे मंगवा सकते हैं। क्योंकि आजकल कईयों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और EMI कार्ड जल्दी करके यहाँ पे नहीं बनते, तो यहाँ पे इस लिमिट से अगर आपको मिलती है तो बहुत ही जल्दी आप यहाँ से जो वहाँ पे लिमिट को यहाँ पे ले सकते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैक करता हूँ तो अमेजोन पे वाले ऑप्शन पे मैं टैप करता हूँ। जो अमेजोन का ऑप्शन है, आप इसको यहाँ पे यूज करोगे तो आपको वहाँ पे लिमिट नहीं मिलेगी, बैंक अकाउंट में आपके पैसे यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो बैलेंस है बैंक में कैसे ट्रांसफर करना है। उसके लिए जैसे ही बैंक अकाउंट पे मैंने टैप किया तो उसके बाद मनी वाले ऑप्शन पे टैप किया तो यहाँ पे मेरी लिमिट दिखा रहा है 1,000 रुपए से लेके 18,000। यहाँ पे साफ साफ लिखा प्लीज सिलेक्ट द अमाउंट यूर विल लाइक टू ट्रांसफर। आप जितना भी अमाउंट है अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज यूर EMI प्लान वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अगर आप इसकी फुल पेमेंट करना चाहते हो तो आप इसकी फुल पेमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे प्लान लेना चाहते हो तो 6 मंथ का, 12 मंथ का और 36 मंथ तक का आपको यहाँ पे प्लान भी यहाँ पे मिल सकता है। क्योंकि अभी मेरे को इसकी जरूरत नहीं है तो मैं इसकी लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करूंगा। अगर आपको इसकी लिमिट मिलती है तो आप इस मेथड से अपनी लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो और आसान EMI में पे कर सकते हैं। अब यह एप्लीकेशन कौन सी है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैं बैक करता हूँ तो एप्लीकेशन का नाम है स्टैशफिन। जो स्टैशफिन एप्लीकेशन है 1,000 से लेके 5 लाख रुपए की हमारे को यहाँ पे क्रेडिट लाइन लिमिट मिलती है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको यहाँ पे बैक करके मैंने आपको दिखाया और स्टैशफिन एप्लीकेशन में अगर इसकी रिपेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे रिडीम वहाँ पे काफी सारे आपको वहाँ पे मिलेंगे। जो आपको रिडीम अगेंस्ट मिलेंगे तो वाउचर में आप इसको EMI में भी कन्वर्ट करके आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये जो पे लेटर एप्लीकेशन बताई है ये 0% इंटरेस्ट वाली एप्लीकेशन है। अगर आप इसको EMI में पे करेंगे तो आपको यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगेगा 1% से लेके 36% तक का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पे लग सकता है।